गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डैडीज ब्लॉग। सो गाइस आज है ट्यूसडे एंड ट्यूसडे की अपडेट रहेगी, क्या माल आया अंदर चलकर पता चलेगा। शूट के रिगार्डिंग कुछ भी हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते। गाइस आज की मंडी में जो कि इतना कुछ माल तो मतलब आता नहीं है टोटली, मतलब कट्टू ही ज़्यादातर रहते हैं, क्वालिटी में चीज़ बहुत कम देखने मिलती। ठीक है, तो ये एसरी का एक नंबर वाड़ा है जहाँ पर कट्टू में ही मतलब सब फीमेल है, टोटली फीमेल है तो छोड़ देते। तो गाइस वाड़ा है S3 का 15 नंबर, ठीक है, और दो नंबर के बीच में बकरा देखो माशाल्लाह क्या है, एकदम जानदार है, भरा हुआ बकरा है। सोजत के अंदर बकरा आएगा, चार रात लगाया हुआ है, हाइट जो के शॉर्ट है 35 हाफ आएगी हाइट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। और बॉडी वेट में बकरा आराम से है ना, एकदम आराम से 55 किलो तो पकड़ के चलो आराम से उतरेगा। ठीक है, अच्छा बकरा है, टाइट है, खुद वो सिर्फ मतलब बनाने पड़ेगी ले जाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गई है। बकरा देखो एक नंबर बकरा है, बस माशाल्लाह बस खुद से ही मार खा रहे हो। ठीक है, आस्किंग है इसकी 19,000 की आस्किंग है उसकी। ठीक है, देखते और गाइस वाड़ा है S3 का 13 नंबर वाड़ा है, ठीक है, नहीं सॉरी 14 नंबर वाड़ा है, बकरा है, दो दाती बकरा है। किसी को मतलब या सदके के लिए देना रहता है या फिर मतलब हकीके के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो दांत पे बकरा है माशाल्लाह, बकरा अच्छा है, खाया पिया नहीं है, खिलाई पिलाई में टूटा हुआ है, और पीछे की एक टांग शायद वो उठा रहा है, मतलब देख लेना अगर लेना चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी ऐसे ताज वाज तो अच्छा पहना हुआ है, एकदम कड़क बकरा है। ठीक है, आस्किंग है उसकी, आस्किंग ही 9,000 रुपये की है, तो सोच लो बकरा मिल रहा है वो 9,000 रुपये में, मतलब इन 8,000 रुपये में बकरा मिल जाएगा। आखिरी बकरा है ये मंडी के वाड़े के बाहर मतलब खड़ा हुआ है, आखिरी बकरा है उसके पास में। ठीक है, तो देखते हो कम माल लाया हुआ है। तो गाइस ये है वाड़ा S3 का 13 नंबर, ठीक है, वो 14 था ये 13 है, और बकरा देखो दो दाती है, हंसा के ऐसा उसकी पूरी झलक है आन के ऊपर। ठीक है, ये क्वालिटी देख लो, हाइट भी अच्छी पकड़ा हुआ है, 37 की हाइट का बकरा है, वेट में 40 kg तक का आएगा ये। ठीक है, और आस्किंग जो है इसकी 15,000 रुपये की आस्किंग है, दो दांत ही बकरा है। ठीक है, दो दांत लगा चुका है। तो भाई सेम वाड़े के अंदर ये एक बकरा है, बच्चा देखो क्वालिटी बहुत प्यारा, कलर भी है और बहुत प्यारा बनने वाली चीज़ है, मजाक नहीं कर रहा। सिंग का थोड़ा फ़र्क है, छोटा वाड़ी है, मतलब टूट चुकी है शायद सिंग उसकी। ठीक है, लेकिन अभी बचपन है, चलता है। तो माशाल्लाह बच्चे की क्वालिटी देखो क्या है यार, बहुत कड़क बच्चा है, पालने में मजाक नहीं, इतना ख़तरनाक बनेगा ना ये बच्चा। रेट है इसका 7.5 आस्किंग है। ठीक है, बाकी चीज़ देखो। तो गाइस ये वाड़ा है S3 का 10 नंबर वाड़ा है, सोजत के अंदर बच्चे है, एक तो मतलब एकदम बीमार है, एक सही है। ठीक है, बच्चा देखो माशाल्लाह पूरा गुलाबी है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट लाया है कान के ऊपर, गले के पीछे ब्लैक है। ठीक है, चीज़ देख लो कैसी है, आस्किंग है 4,500 रुपये। ठीक है, फिर एक सोजत, ठीक है, सेम वाड़ा है, उसके बाहर है S3 के 10 नंबर के बाहर है ये। ठीक है, तो दो बच्चे हैं यहाँ पे देख लो, अदंत है दोनों के दोनों, लेकिन थोड़ा मतलब सर्दी इन लोगों को अभी से ही पकड़ लिए, देवनार से जाने के बाद में जाने तो सर्दी पकड़े थे, लेकिन इन लोग अभी पकड़ लिए। ठीक है, दोनों मतलब सेम कंडीशन पे, 19-20 का फर्क है। ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब डूम हो गया एकदम ही। तो आस्किंग है 16,000 रुपये में दोनों, ठीक है, 16,000 में दोनों है। गाइस ये वाड़ा है S3 का 9 नंबर, टोटली सोजत भरे हुए आज, टोटली सोजत है हर जगह। ठीक है, तो पहले तो ये दिखाते हैं क्योंकि रेट मतलब सही है, और दांत पूरे लगा चुका है, वेट में भी मतलब इन्हीं 50 किलो के करीब का आएगा, थोड़ा बीमार टाइप है बकरा, जो ध्यान दे सकता वही देखना। और ये कान जो है मतलब कटे हुए नहीं, इसने खुद चबाया है, ये कान खुद चबा के मतलब सुझाया उसने वो कान। ठीक है, कोई कोई बकरों का आदत होती है खुद के कान चबाने की, तो उसने खुद चबाया हुआ है वो। ठीक है, तो बकरा देख लो माशाल्लाह कैसा है, 17,500 रुपये आस्किंग है। ठीक है, दांत पूरे कर चुका है, दांत में कुछ भी मतलब है नहीं अभी, चांस पूरे कर चुका है, हथियार भी निकाल लिया है, बाकी सब हाइट 37 है आराम से, बाकी दांत पूरे।
सब बकरे एक ही बार में देख लो, क्योंकि बकरे बहुत ज़्यादा मतलब टाइट बंधे हुए, उनको खड़े रहने जम रहा नहीं। ये बकरा देखो 39 की हाइट पे आएगा, वेट में ये 55-60 किलो तक का जाएगा, ठीक है। आस्किंग है 22,000, ये देखो 25,000 पे। बकरे की हाइट है 38 की, दांत चार करा हुआ है, 25,000 पे इसकी आस्किंग थी, ठीक है। ये देखो एक ये लास्ट बचा हुआ है 22 के दो, उसकी माशाल्लाह हथियार बहुत अच्छे हैं लेकिन निकल ही नहीं रहा है। ये देख लो पहले, ये देखो 22,000 पे इसका। देखो अब दिख क्या है बकरा, माशाल्लाह क्या बकरा है यार, उसको जम ही नहीं रहा है, मतलब खड़े रहने जाने दो। कह रहे कि बेचारा बेजार आ गया, बैठी गया आधा अधूरा, ठीक है। तो फांसी ऐसी कुछ नहीं लग रही है, देख लो, नहीं तो बाद में कोई ना कोई डालेगा फांसी, ठीक है। तो माशाल्लाह बकरा देखो सेम रेट है, 25,000 पे आस्किंग है, एकदम अच्छी क्वालिटी के बकरे। ये कुर्बानी तक का रखेंगे तो और तैयार होने वाली चीज़ है, लेकिन दांत सबने कर लिए, ठीक है। तो देखते और ये सब बकरे देखो लाइन से, ठीक है। वाड़ा है S4 का, दो नंबर वाड़ा है, सब मतलब पूरी पट्टी गई है एक साथ। ये दिखेंगे थोड़े टाइम में देवनार में रिटर्न से दिखेंगे बिकने के लिए, ठीक है। रीसेल हो गए तो ये लेने वाला जो है बशीर भाई ने ये सब बकरे लिए। आज देखो क्या निकाले ये सब बकरों ने, ये देखो इसी बकरे एकदम बहुत खतरनाक लग रहे, मेरे मान ही नहीं रहे हो तो। तो देखते हो और इन लोग के बारे में तो डिटेल क्या देंगे, बस देख लो। तो गाइस बकरा देखो वाड़ा है, S4 का 15 नंबर वाड़ा है, ठीक है। बकरा देख लो माशाल्लाह एकदम टाइट है, 65 केजी पे वेट है, ठीक है। दांत जो है तो इसने दो कराए, ये देखो दो दांत इसने कर लिया है, और बाजू वाला तो अदंत है। आस्किंग बहुत ज़्यादा है, 26,000 पे आस्किंग कर रहा है बकरे की, लेकिन बकरा बहुत मतलब जानदार बनेगा बनाने जाएंगे तो, ठीक है। बाजू में देख लो तो अदंत ही है, लेकिन हाइट अच्छी पकड़ा हुआ है, 37 की हाइट पे हो ये अदंत है, 37 की हाइट पे ही है, और इसकी आस्किंग जो है 23,000 रुपये की। 30 में देखो दोनों की आस्किंग लग रही है, सामने वाला मतलब चचा आस्क कर रहे हैं कि 30,000 रुपये दूँ, दोनों के नहीं दिया उसने, ठीक है। तो देखते हैं, और दो जत की पूरी पट्टी गई है, निकल ही नहीं रहे उससे। दो रस्सी बांधो, 7,000 रुपये के हिसाब से बच्चे गए पूरे पूरे गुलाबी एकदम, ये देखो। लेकिन चार है इसमें, ये देखो चार। सॉरी, ये 7 नहीं 6,000 रुपये की पट्टी के हिसाब से गए हुए, और 3 बकरे अलग गए हुए, बाकी के अलग गए हुए, 3 जो है 6,000 के हिसाब से गए हुए। चीज़ देखो यार क्या है, बच्चे एकदम टाइटम टाइट, ये देखो। और तीनों भी यही खासियत है कि मेल है तीनों के तीनों, ठीक है। तो देखते ये बकरा देखो वाड़ा है, S4 का, 11 नंबर के बाहर खड़ा हुआ है, फुल गरम है, मान रही नहीं हो। ये देखो हाथ दे रहे तो हाथ चाट रहा है और छीक रहा है, ये दांत देखो उसके। आटो भी लगा लिया है, छटा छटा मतलब हटा के अभी, और बहुत बुरी बास मार रहा है, इतनी बुरी बास मार रहा है कि पूछो मत हो। देखो गरम कितना है बकरा, लेकिन बकरा ऐसा वाबदार बकरा है ना, मिलेगा भी नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सीना क्या है उसका देखो, गला देखो खाली, बहुत ख़तरनाक सीना और गला, आगे का जो उसका लुक है अलग ही है। बाकी सीना में बहुत प्यारी चीज़ है, आस्किंग जो है 22,000, 22,000 रुपये। ये देखो ले ले बकरा, ये भी उसके सामने वाले वाड़े के अंदर, लेकिन इसका मतलब रेट नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तो ठीक है। वाड़ा है ये, 6 नंबर वाड़ा है, लेकिन रेट वेट कुछ पता नहीं है। ये देखो दो रात चार रात लगा, नहीं नहीं ज़्यादा है, दो दांत ही लगाया हुआ है, दो दांत लगाया है, दो और मतलब अभी जॉइंट कर रहे हैं, चौथा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो बकरा अच्छा है, लेकिन बेपारी नहीं है जिसकी चीज़ हो, या फिर पता नहीं सोल्ड हो चुका है, मालूम नहीं है जो भी। तो देखते हैं, ये वाड़ा है S
फोर का सात नंबर वाड़ा है, ठीक है, सात नंबर वाड़ा है, आठ नंबर वाड़ा जो मैं दिखाता हूँ उसके पहले। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे सोजत में और एक दो गोटी भी है, लेकिन मतलब सही है, दो बच्चे अच्छे निकले हुए, टोटल पाँच है। तो सिंगल भी मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। और ये जो बच्चा देख रहे हैं माशाल्लाह क्या प्यारा है वो, 5000 रुपये में मिल जाएगा, सीए आके ले लो, वाड़ा है S4 का सात नंबर वाड़ा है, ठीक है। बच्चे लाइन से देख लो सब, देखो ये भी बच्चा माशाल्लाह सोजत में एक कड़क बच्चा है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, सब देख लो। सिर्फ एक बच्चा मतलब थोड़ा 19 है, बाकी सब अच्छे है। पट्टी का हिसाब लेंगे तो और कम में मिल जाएगा, ठीक है, देखते। जो कि बकराईद की तैयारी चालू हो जाएगी, जो भी काम रहेगा आप सब करके हटा देंगे आगे आगे, तो मतलब काम चालू भी हो गया है, ठीक है, बहुत सा काम मतलब चालू है अभी। और देखो अभी कुर्बानी तक का मतलब कैसा ये बार बंदोबस्त रहेगा पता नहीं है, वो आएगा ब्लॉग पूरा कि मतलब अभी कौन कौन सी जगह पे क्या चल रहा है, वो कुर्बानी के टाइम पे ही लेंगे। तो चलते आगे वहाँ पे। एक बकरा ये भी है, वाड़ा है S6 का, S5 का 16 नंबर है, ठीक है। तो बकरा देखो, वेट बताना अंदाज़ा कितना होगा, मेरे ख्याल से तो 85 केजी है, ठीक है, आप लोग बताना सही क्या रहेगा, ठीक है। और दांत बोल दूँ तो दांत पूरे लगा चुका है, काफ़ी हद से ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, क्योंकि देखो आधा ही बता दीना, आजू में कोई है ना बाजू में कोई है, मेरे सामने भी दो बंदे हुए थे, उनको पहले मार रहा हो, ठीक है। रेट जो है 25,000 रुपये फाइनल रेट बोलता है, लेकिन तोड़ेगा वो बकरा मतलब है, लेकिन बकरा भी मतलब रेट देने के लायक का है, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। दांत पूरे कर चुका है, कुर्बानी में मतलब नहीं काम आने वाली चीज़ है। तो हाइट नहीं बताया, हाइट इसकी भी 39 की हाइट इजीली आ जाएगी एकदम, ठीक है। तो देखते, और ये बकरा बचा हुआ है सेम वाड़े के अंदर ही है, ठीक है, कालू। तो रेट जो है इसका क्या पता क्या हिसाब से 20,000 बोल रहा हूँ, ठीक है, 20,000 आस्किंग है। सामने बैठा हुआ देखो बंदा हो, और बकरा जो है तो हद से ज़्यादा मतलब बीमार है, नाक वाक से पानी छोड़ रहा है कंटिन्यू, और सूझते हो देख के समझ में आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा कि नहीं पता नहीं, धूप के ऐसे मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो बकरा देखो, ठीक है, हाइट इसकी आएगी 36-37 की हाइट आएगी, वेट में ये मतलब ये भी 50 किलो के आसपास में आ जाएगा आराम से, ज़्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आएगा, ठीक है, 20,000 आस्किंग है। गाइस आज की मंडी की अपडेट यहीं तक का थी, इतनी चीज़ें मिली आज की मंडी में, ठीक है, और चीज़ें जो आई है काफ़ी अच्छी आई भी है, मेरे को तो नहीं लगा था कि मतलब ट्यूजडे की मंडी में ऐसी मतलब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो भी आया अच्छा है, ठीक है, और रेट भी मतलब सही है। तो मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, आप सबको रमज़ान मुबारक।